इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं का का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या गिवन है इसमें इफ द इक्वेशन फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वलो इन विच के इज ग्रेटर पैरल मतलब दो लाइन हैं. फॉर एग्जाम्पल ये अपनी लाइन वन है और ये अपनी लाइन टू है. पैरल लाइन्स वो होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं जैसे ये जो लाइन्स होती है ना ये इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये होती है पैरल लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ठीक है तो पैरल लाइन्स में आपको एक चीज पता होनी चाहिए ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अब ये बी वन ए वन ये सब होता क्या है वो भी हम समझ लेते हैं पहली इक्वेशन हमें क्या गिवन है फोर एक्स प्लस के माइनस टू इन टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री और सेकेंड इक्वेशन अपने क्या है के माइनस टू दो ये थोड़ा सा नीचे लिखते हैं तो बीच में हमारे पास स्पेस होगा दूसरी इक्वेशन है हमारी के माइनस टू इन टू एक्स प्लस इक्वल टू फाइव ठीक है ये अब क्या होता है अपना ये जो पहला हो गया ना ये ए वन हो जाएगा ये बी वन हो गया ये सी वन हो गया ये ए टू हो गया ये बी टू हो गया और ये अपना सी टू हो गया अब हमें पता है ना कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू ये होता है बस इसी को लेकर सॉल्व कर दो ए वन अपना कितना अब आप उधर जाके अंडर रूट लगाओगे तो प्लस माइनस सिक्स आएगा तो के माइनस टू ऐसे आएगा लेकिन वहां पे के पॉजिटिव वैल्यू बोलिए अगर मैं दोनों को निकालू अगर एक बार पॉजिटिव सिक्स है और एक बार नेगेटिव सिक्स है तो पॉजिटिव सिक्स है तो ये क्या हो जाएगा सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू के जहाँ पे के कितना आ जाएगा एट और अगर नेगेटिव है तो माइनस फोर आ जाएगा तो के माइनस फोर हो नहीं सकता तो के उन्होंने क्या बोला पॉजिटिव होना चाहिए तो के की वैल्यू क्योंकि के ग्रेटर देन जीरो है ना तो के की वैल्यू एट आ जाएगी तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो के स्क्वायर प्लस सिक्स हमें निकालना है एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर प्लस सिक्स सिक्सटी फोर प्लस सिक्स आपका हो जाएगा सेवेंटी तो ऑप्शन नंबर टू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा